उपद्रवियों के लिए एक ही मैसेज है, कोई भी काम हो इलीगल तरीके का, गैर कानूनी कार्य ना करे, कानून अपने हाथ में ना ले, उस पर पुलिस कड़ी कार्रवाई करेगी और कानून को अपना काम करने दीजिए। आप देख ही रहे हैं, उस तरह का नहीं, लेकिन हम प्रिकॉशन के तौर पर हम लोगों ने फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट की हुई है, और सोशल मीडिया पर भी जो गलत सूचनाएं प्रचारित करेंगे उन पर भी कड़ी कार्रवाई होगी, उसमें भी प्रशासन लगा हुआ है, और मे बी आप देखेंगे एक आध दिन में उसमें भी अरेस्टिंग शुरू हो जाएगी। इसलिए जो तनाव फैलाने का काम कर भी रहे हैं वो ना करें, और जो भी कर रहे हैं उन पर कार्रवाई आने वाले 1-2 दिन में आपको देखने को मिलेगी। शुरुआती जांच में क्या बातें सामने आई है? क्योंकि एक पक्ष ये कह रहा है कि उसे बंधक बनाकर पोल्ट्री फार्म पर ले जाया गया और वहाँ पर बंधक बनाकर पिटाई की गई, जिस पे आरोप है उसका कहना है कि ये लोग उनके पोल्ट्री फार्म पर आए थे, किसी एक ने फायरिंग की, उसके बाद वो फरार हो गया। देखिए, उसमें FIR हो चुके हैं, तो FIR के आधार पर आगे इन्वेस्टिगेशन बढ़ा है और ये सब चीज़ें इन्वेस्टिगेशन की है, तो इन्वेस्टिगेशन में जो बातें आएगी आपको कालांतर में पता चल जाएगी। लेकिन अभी तत्काल चूँकि पुलिस इन्वेस्टिगेशन इसमें जारी है, तो उसमें क्या क्या बात, जैसे एक कंक्लूजन पर पुलिस पहुंचेगी तभी आपसे साझा किया जाएगा। कितने लोग घायल हैं उस इस मामले में और क्या उनके इलाज के लिए और क्या कर रहे हैं? इसमें एक तो घटना में उनकी मृत्यु हो चुकी है और 2 घायल अभी पटना में इलाजरत है, वहाँ पर इलाज उनका चल रहा है। सर, कल एक खबर आ रही है कि कल की जो घटना हुई है उसमें किसी महिला की मृत्यु हुई है, क्या ऐसी कोई हकीकत है या ये सिर्फ अफवाह है? देखिए, एक आसपास कोई उनका अभी पोस्टमार्टम वगैरह चल रहा है, जो महिला की मृत्यु एक हुई है, लेकिन वो इस घटना से संबंधित नहीं है, लेकिन पोस्टमार्टम के बाद जो रिपोर्ट आएगा उसके आधार पर पता चलेगा, लेकिन जो प्राइमा फेसी रिपोर्ट्स है उसके आधार पर ये क्लियर है कि उससे संबंधित नहीं है ये। अच्छा, कल जो एक बड़ी भीड़ आ गई थी उनकी पहचान हो पाई है, वो कौन लोग थे और आप पुलिस की मौजूदगी में ये कैसे लोग आ गए? नहीं, उसमें भी पहचान की जा रही है, एक क्लियर है कि कानून अपना काम करेगा और कानून को, इनफैक्ट मेरा अनुरोध सभी से आपके माध्यम से पहुंच रही होगी बात, कि कानून को अपना काम करने दीजिए, पुलिस इसमें कड़ा एक्शन ले रही है और आगे भी यहाँ कड़ा एक्शन लिया जाएगा, कोई इस तरह से अपना कानून हाथ में ना ले। उसमें भी कार्रवाई हुई है, आप लोगों को पता भी चला होगा, उसमें भी अरेस्टिंग्स हो रही है। जो भी बेसिक बात ये है पुलिसिंग की, जो भी अपराध करेगा, जो इलीगल काम करेगा, उस पर कार्रवाई होगी। ठीक सर, घर वालों का क्या नाम है कि FIR कॉपी के साथ छेड़छाड़ हुआ है, ये मतलब कहाँ तक सच है? अगर उनका ये कहना है तो हम लोग इसको देखेंगे, लेकिन FIR हो चुका है, इनफैक्ट जो पटना में भी गए थे उनका भी एक फर्द बयान आया है, उसको भी अटैच किया उसमें जाएगा, और जो जो उनकी बातें हैं उसको हम लोग देखेंगे, अगर उनको लग रहा है तो उसको भी देखा जाएगा, लेकिन लगता नहीं है प्राइमा फेसी देखने से, या कोई और भी उनको उसमें चीज़ें जोड़नी है तो अपने बयान में दे ही सकते हैं। सर, कितने लोगों पर FIR हुआ है सर? पहले फर्स्ट FIR में 5 लोगों को नामित किया गया था, तो उसमें से कुछ पकड़े गए हैं और आगे भी बहुत सारे उसे कंटिन्यूएशन में 2-3 FIR हुए हैं। उपद्रवियों के लिए एक ही मैसेज है, कोई भी काम हो इलीगल तरीके का, गैर कानूनी कार्य ना करे, कानून अपने हाथ में ना ले, उस पर पुलिस कड़ी कार्रवाई करेगी और कानून को अपना काम करने दीजिए। ठीक, धन्यवाद। वो तो आप लोगों ने बहुत संयम बरता है, आप लोग कुछ चाहिए, इसीलिए यह घटना तो देखो हो चुकी है, लेकिन जो भी किया होगा गलत, जिन्होंने भी किया उन पर कार्रवाई होगी, इतना आजवास निर्देश बात किया, दूसरी बात है हम लोग जाके डिस्कस करते हैं क्या आइए वो तो बात सही। और जो रेस्ट बगल जो और जो इनका इलाज चल रहा है बगल के ही है, एक तो हमारा भतीजा ही है,
ये जो है कि मुबारकपुर में एम्बुलेंस भेजी है, पटना जो है कि उसको लेके जाना है। हम आपको हाँ लोकेशन भेज देते हैं। अमित जी, अमित में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है फिलहाल। जो पीड़ित पक्ष है और आरोपी दोनों एक ही गांव के रहने वाले हैं, लेकिन दोनों के समर्थन में गाड़ी के ना फिलहाल अभी हर जगह कर दी गई है।